नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। तो राज्य कार्यपालिका में हम राज्यपाल को देख चुके, आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को राज्य की कार्यपालिका का, तो राज्य कार्यपालिका में हम राज्यपाल को पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री की क्या स्थिति रहती है। तो अगर मुख्यमंत्री की स्थिति को हम देखें तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान एवं सर्वोच्च राजनीतिक शासक माना जाता है। राज्य में राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान है। तो मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर पद धारण करेंगे। सामान्यतः राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति या तो आम चुनावों के बाद की जाती है या तब की जाती है जब मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा दे दें या बर्खास्त कर दिए जाए, तो नए मुख्यमंत्री की जो है वो नियुक्ति होती है। तो अगर हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कुछ तथ्य आपको जानने चाहिए और वो तथ्य यह हैं कि जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव में किसी एक ही दल को विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उस दल का कोई निर्वाचित नेता जो है उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि गठबंधन सरकार हो तो गठबंधन सरकार में भी जो अपना निर्वाचित नेता घोषित कर दें तो उसे भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो जब राज्य विधानमंडल के चुनाव में किसी एक ही दल को बहुमत प्राप्त हो जाए और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल के लिए संवैधानिक बाध्यता है, उसे तो नियुक्त करना ही होगा। यदि मुख्यमंत्री अपने दल के आंतरिक मतभेदों के कारण त्यागपत्र देता है तो उस दल के नए निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव से किसी पक्ष के बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसे नियत समय के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देता है। तो इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि व्यवहारतः मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में ये उल्लेखनीय है कि जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता अथवा राजनीतिक दलों में गठबंधन की जो है स्थापना नहीं हो पाती तब मुख्यमंत्री का चयन करना दुष्कर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दलीय बहुमत के अभाव में राज्यपाल अपनी सर्ववैकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का चयन बहुत सारे कारकों पर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत में मुख्यमंत्री के चयन की राजनीति में कुछ तथ्य स्पष्ट हुए हैं जो कि आपको जानने चाहिए। ये तथ्य कौन कौन से हैं? वो ये है कि मुख्यमंत्री के चयन में राजनीतिक दल शीर्ष नेतृत्व की इच्छा, प्रधानमंत्री का वरदहस्त, घटकवाद, दो दावेदार होने पर अपरोक्ष रूप से शक्ति परीक्षण, गठजोड़ में पारंगतता के तत्वों का स्थान होता है। तो ये जो सारे तत्व हैं ये काम करते हैं मुख्यमंत्री के नियुक्ति में। तो अगर हम योग्यता देखें तो मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए होने के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री होने वाला व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। अच्छा, जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो क्या वो बन सकता है? हाँ, वो बन सकता है, लेकिन फिर क्या करना होगा? ये ज़रूर करना होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर वो जो है उसका सदस्य निर्वाचित हो जाए। वो बन तो सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्य बनना आवश्यक है। तो इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं। कार्य और शक्तियाँ अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री राज्य के शासन की धुरी है। भारतीय संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री को वही स्थान दिया है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पद है और महत्वपूर्ण पद होने के नाते उसके कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र में हम जानते हैं कि राज्यपाल
नाम मात्र का प्रधान होता है। असली शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। सारी शक्तियों का दायित्वों का पालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो इस प्रकार जो है मुख्यमंत्री का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंत्रिमंडल का मुखिया होने के कारण सारी सत्ता किस में रहती है? मुख्यमंत्री में ही रहती है। तो संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ये कर्तव्य क्या हैं? कि राज्यपाल तक उन निर्णयों की सूचना पहुंचाना जो राज्य प्रशासन तथा विधानमंडल के प्रस्तावों से संबंधित हैं, जो मंत्रिपरिषद ने समय समय पर लिए हैं, उन सब की सूचना कौन देगा? उन सब की सूचना मुख्यमंत्री देगा राज्यपाल को, है ना? ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, राज्यपाल राज्य प्रशासन तथा विधानसभा के प्रस्तावों को तो देगा ही, और ऐसे विषयों पर भी राज्यपाल के निर्देश पर मंत्रिपरिषद में विचार करवाएगा जो कि राज्यपाल समय समय पर कहें कि भाई इस बिंदु पर विचार होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो एक तरह से राज्यपाल को कॉन्फिडेंस में लेकर अपने लिए गए सारे निर्णयों की सूचना भी देता है, राज्यपाल के निर्देशों को मानता भी है, और वो कहे भाई इस टॉपिक पे बात करो, आप इस मुद्दे पे बात करो, तो बात करेगा, मंत्रिपरिषद में उस मुद्दे पर चर्चा करेगा। तो एक तरह से दोनों के बीच एक तरह का सामंजस्य रहता है और दोनों मिलकर काम करते हैं। मुख्यमंत्री जो है, अगर उसके कुछ कार्यों को हम देखें तो वो इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष है और इस रूप में वह अपने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों का चयन करता है, उनके विभागों का वितरण करता है, पदमुक्ति और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को जो है परामर्श देता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चयन, उनके विभागों का वितरण, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल आदि करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह समय समय पर विभिन्न नीतियों को मुख्यमंत्री द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। राज्य में नीति संबंधी घोषणाएं, वित्तीय और गैर वित्तीय मामलों का निर्धारक वो मुख्यमंत्री ही है। शासन संचालन के लिए आवश्यक कार्यविधि के निर्धारण के साथ साथ वह विकास कार्यों हेतु समस्त प्रकार के संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री राज्य की उन्नति व कल्याण हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद सहित विविध मंचों पर राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र तथा अन्य अभिकरणों से संधियों और समझौते जो है वो करवाता है। वह राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु मंत्रिपरिषद को निर्देशित और पर्यवेक्षित करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का परिपालन करता है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद की नीतियों से भिन्न मत रखता है तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। राज्यपाल को से बर्खास्त करने की सिफारिश भी कर सकता है। राज्य के प्रशासनिक संस्थाओं तथा विभागों के मध्य समन्वय की स्थापना करता है। विकास व नियामकीय कार्यों का क्रियान्वयन करता है, मूल्यांकन करता है, निर्देशन करता है तथा विधानमंडल में सरकारी पक्ष का स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का कितना शासन की धुरी है, बहुत महत्वपूर्ण ये कहना होगा कि वो राज्य राजनीति में सर्वे सर्वा है और उसके चारों ओर जो है राज्य की राजनीति का स्वरूप निर्धारित होता है। केंद्र और राज्यपाल की योजनाओं को आवश्यक कार्यों की प्रगति से अवगत कराना भी मुख्यमंत्री का कार्य है। अनुच्छेद 167 में अधिकथित कर्तव्यों का निर्वहन तथा जनसाधारण की समस्याओं का निवारण भी मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के कार्यों की लंबी सूची है और राज्य सरकार के कार्यविधि नियमों के अनुसार उल्लेखित कार्यों का और प्रकरणों पर अंतिम स्वीकृति मुख्यमंत्री की ही होती है। राज्य राजनीति के संचालन में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार हमने आज के प्रेजेंटेशन में जाना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विमुक्ति के क्या तत्व हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 164(1) ज़रूर पढ़ लीजिए आप, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है। और इसके साथ ही आप जो है ये भी पूछें कि मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या हैं। 167 भी आप पढ़ें, उसमें जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। तो
इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, और कोई दिक्कत आए तो हम मिलेंगे तो फिर चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।